इस टाइम पे मैं हूँ सैया मार्केट में। हमको कुछ सामान लेना था, सामान क्या मिठाई लेनी थी, तो वो पापा ले रहे हैं और मैंने सोचा मैं थोड़ा आगे की तरफ पैदल पैदल चली जाती हूँ। सैया में पापा ने कुछ पकौड़ियाँ ले रखी थी, तो वो पापा और हम लोग यहाँ पे खड़े होके खा रहे हैं। यहाँ से ऐसा ये व्यू दिख रहा है, आप देख सकते हो काफ़ी हाइट पे हैं हम लोग इस टाइम। नीचे ये अमलाव नदी बह रही है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ मूनशाइन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे जैसी मैं हूँ। फ्रेंड्स, इस टाइम मैं फिर से आ गई हूँ कालसी में अपने दादी घर, और यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके हुए हैं और उसके बाद हम लोग गांव के लिए निकलेंगे, क्योंकि आज हमें जाना है गांव। तो देहरादून से कालसी तक की जो भी जर्नी थी वो तो मैंने कैप्चर नहीं करी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा था। यहाँ पे अभी धूप है और हम लोग रुके हुए हैं, तो मैं यहाँ से सोचा आगे की जर्नी को थोड़ा बहुत कैप्चर कर लूँ। तो इस टाइम पे तो मैं यहीं घर के बाहर घूम रही हूँ। तो ये काकू और ये जा रहे हैं अपने मामा के घर पर, और यहाँ पे बैक साइड में देखो धूप में पुच्चू अभी तक सो रही थी और अभी ऐसे मुंह फुला के बैठी हुई। पता नहीं इसको क्या हो रखा है, इसकी शक्ल पे 12 बजे हुए नजर आ रहे हैं। देखो ये देखो, मुंह इनने छुपा दिया है। और ये यहाँ पे ये देखिए, ये पुच्चू की छोटी है और ये हमेशा इंजर्ड रहती हैं, गले में पट्टा बांधी रहती हैं। और ये है हमारी दादी और ये हमारी छोटी चाची, दिख नहीं रही होगी, थोड़ा पास से दिखा देते। ये हाँ, ये हमारी छोटी चाची, तो ये भी आज जा रही है मायके, क्योंकि आज है हमारा फेस्टिवल, तो इस वजह से ये भी अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगी और हम लोग भी गांव के लिए निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी जब मैं देहरादून से यहाँ तक आई तो मेरे सर में इतना ठंडा लगा, गजब का ठंडा था, और हुड वाली कैप का कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था। तो यहाँ से मैंने पुच्चू से एक कैप उधार ली, क्योंकि आगे काफ़ी ठंडा होने वाला है तो हुड की कैप का कोई असर नहीं होगा, तो मैंने ये कैप पहन ली है। और अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि धूप धूप में हम अपने गांव पहुँच जाएँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। इतनी जर्नी में मेरे पैर ऐसे ठंडे हो गए जिसका कोई हिसाब नहीं था। तो अब यहाँ से भी निकलते हैं ताकि धूप में ही हम अपने गांव पहुंच सकें। तो आगे की जर्नी में थोड़ा बहुत कैप्चर करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि हाथ एकदम बर्फ़ जैसे हो जाते हैं, तो जहाँ पर हो सकता है वहाँ पर मैं कैप्चर करके आपको दिखाती रहूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आप देख सकते हो मैं हो चुकी हूँ फुल्ली रेडी, और ये मैंने ग्लव्स भी पहन लिए, हुड की कैप भी डाली, अंदर एक और कैप पहनी हुई है ताकि मुझे ज़्यादा ठंड ना लगे। वैसे कितना भी पहन लो स्कूटी पे ठंड तो लगती है। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर में।
टाइम पे हम लोग पहुंच गए जजरेड के पास। बरसात के टाइम यहाँ पे ऊपर से काफ़ी मलबा गिरता रहता है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होता रहता है और कई दिन तक यहाँ पे रोड ब्लॉक हो जाती है और जो भी रूट की गाड़ियाँ हैं उनको दूसरे साइड से जाना पड़ता है। विकास नगर से चकरौता के लिए, हाजा दसौ के लिए या फिर माकटी साइड के लिए जितनी भी रूट की गाड़ियाँ चलती हैं वो इसी टाइप की होती है। ये पीछे से ओपन बॉडी की होती है और इसमें काफ़ी सारा सामान रखा रहता है और जो भी यात्री होते हैं कुछ अंदर बैठे हुए होते हैं और एक्स्ट्रा वाले पीछे इसी तरह ऊपर गाड़ी पे बैठ के जाते हैं। और अब हम लोग पहुंच गए हैं सैया के पास। ये जो सामने की तरफ आपको काफ़ी सारी बिल्डिंग नज़र आ रही है, घर वगैरह, ये पटना है और उससे आगे की तरफ ये जो भी एरिया आपको नज़र आ रहा है ये है सैया मार्केट। अब तो ये काफ़ी नीचे तक फैल गई है और पहले इतनी नीचे तक ये मार्केट नहीं होती थी, काफ़ी छोटी मार्केट होती थी, लेकिन अब काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अपना घर वगैरह दुकान वगैरह खोल रखी है। और इस टाइम आज तो ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही है क्योंकि आज है हमारे जौनसार बाबर में त्यौहार, तो जो लोकल मार्केट वाले लोग हैं वो सभी लोग अपने गाँव के लिए निकल चुके हैं और हम लोग भी आज उसी वजह से गांव जा रहे हैं। आप देख सकते हो जैसी भीड़ होनी चाहिए उस हिसाब से आज मार्केट में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और इस वाली रोड पे हम लोगों को आज जाना है, तो यहाँ पे रुक के थोड़ा सामान ले लेते हैं फिर निकलते हैं। तो इस टाइम पे मैं हूँ सैया मार्केट में, हमको कुछ सामान लेना था, सामान क्या मिठाई लेनी थी, तो वो पापा ले रहे हैं और मैंने सोचा मैं थोड़ा आगे की तरफ पैदल पैदल चली जाती हूँ। आगे आज वैसे यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है क्योंकि आज है सभी गांव में त्यौहार, तो सब जो लोकल शॉपकीपर है वो सारे अपने अपने गांव के लिए निकल गए हैं और आज हम लोग भी इसी वजह से गांव के लिए जा रहे हैं क्योंकि आज है हमारे गांव में त्यौहार। तो यही रास्ता है जहां से हम लोग आगे की तरफ जाना है, जिधर को हमारा गांव है। पिछली बार भी आपने ये रास्ता देखा होगा जब मैंने लास्ट वीडियो सितंबर के आसपास डाली थी गांव जाने की, तो पापा वेट करते पीछे रह गए पापा, मैं तो आगे पैदल पैदल आ गई। अब रोड किनारे जितने भी खाले हैं उन पर इस टाइप की पुलिया बना दी गई है। पहले ये पुलिया नहीं हुआ करती थी और बरसात के समय इस एरिया की जितनी भी रोड होती थी वो पूरी की पूरी पानी में बह के निकल जाती थी। तो इस टाइम पे हम लोग पहुंच गए हैं चैते के बैंड पे और यहाँ आप देख सकते हो कुआनू नारायण लोरली मोटर मार्ग लिखा हुआ है और इधर को जो ये रास्ता जाता है ये नारायण गांव के लिए जाता है और हम लोगों को ये वाले रास्ते पे ऊपर के साइड को निकलना है। और इधर आप देख सकते हो पापा ये सामने कौन सा गांव है, कोटी। ये कोटी गांव है और वो ऊपर के साइड और ऊपर जो पीछे वाले पहाड़ पे जो दिख रहा है तंदावा और यहाँ पे ऊपर ये सहसा। तो सामने वाले पहाड़ पे आप देख सकते हो काफ़ी जगह पे गांव आपको नज़र आ रहे होंगे, मुझे तो ज़्यादा गांव के नाम नहीं पता है। ये सामने कोरुआ गांव है, कोरुआ है कोटी है पापा, कोटी है ना पापा। ये सामने कोटी गांव है, ऊपर के साइड भी एक गांव है और वो उधर दूसरी वाली पहाड़ी पे भी गांव नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से ऐसा ये व्यू दिख रहा है, आप देख सकते हो काफ़ी हाइट पे हैं हम लोग इस टाइम। नीचे ये अमलाव नदी बह रही है,
इस टाइम पे तो काफ़ी कम पानी है इसमें, बस बरसात में इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी रहता है। और ये आप देख सकते हैं इस साइड को, इस वाले रास्ते से हम लोग आए थे और अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सैया में पापा ने कुछ पकौड़ियाँ ले रखी थी, तो वो पापा और हम लोग यहाँ पे खड़े होके खा रहे हैं। ठंडी हो गई है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, चलती है पकौड़ियाँ, मज़ा आता है। तो यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं, पापा हो चुके रेडी आगे की तरफ और मैं भी पकौड़ी खा के निकलती हूँ यहाँ से। हम लोग कोठा गांव को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। ये सामने की तरफ जो गांव दिख रहा है यही कोठा गांव है और यहाँ से हमारे गांव की दूरी करीबन 5 से 6 किलोमीटर की है। लो जी, अब हम लोग पहुँच गए अपने गांव। पीछे के साइड आप देख सकते हो ये रास्ता ऊपर हमारे गांव की तरफ जाता है। पापा आगे की तरफ निकल गए हैं और ये हैं छोटे छोटे गांव के बच्चे, इन्हें मैं जानती तो नहीं हूँ। एक ये बच्चा है, ये देखो कुछ खा रहा है। और जो मेरा घर है वो आप वो जो ब्लू कलर का है वो मेरा घर है। तो जाते हैं घर की तरफ, नमस्ते, और थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आज गांव में क्या होना है, क्या क्या चीज़ें होनी है आज गांव में। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय।